10 साल में हमने बहुत अच्छे कमाए। जब से मोदी जी का राज आया हम लोगों को कमाना खटना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, मोदी जी कहते थे बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। एक हम दुकानदार थे, आज रोड पे आ गए। हम कैसे कहेंगे जब मोदी जी हमारे लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में मोदी का पत्ता साफ, हम लोग खुश हो जाएंगे। मोदी जी खत्म हो जाएंगे, हमारे लोगों को खुशी आ जाएगी। मोदी सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान। ये सिर्फ 3 आदमी को देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केवल अंबानी को और बाबा रामदेव को ऐसा नहीं होता। किस गरीब के साथ इन्होंने क्या किया। रही बात महंगाई की, महंगाई इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है कि एक साधारण आदमी 500-400 रुपए की नौकरी करने वाला वो अपने बच्चों को किस तरीके से पालेगा। इन्होंने तो ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो पब्लिक ने ये सोचा, इनको अंधविश्वास में वोट दिया, ज्यादा से ज्यादा दिया। इतने अच्छे बहुमत में आज तक कभी आई नहीं बीजेपी, तो क्या उसका रिजल्ट ये है हम लोगों को। ये खाली वायदे करने से, सोशल मीडिया से सरकारें नहीं चलती हैं। ये जनता एक बार बेवकूफ बन चुकी है, अब बार बार नहीं बनेगी। मोदी जी अपने अमीर हो रहे हैं, अपना साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो नारा लगाया सबका साथ अपना विकास, अब अपना विकास कर रहे हैं, साथ सबका ले रहे हैं। मोदी जी से कहना है, मोदी अच्छा सोचो, देश के लिए सोचो, सबके लिए सोचो। क्या सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी के लिए विकास हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो, गरीबों के लिए तो नहीं हो रहा है। हम लोग तो परेशान, गरीब आदमी मारा जा रहा है हर जगह। उद्योगपति के लिए अच्छे दिन हैं, वो अच्छे दिन आते रहे हैं। विजय माल्या जी साहब इतने पैसे लेके भाग जा रहे, उनके लिए कुछ भी नहीं। अगर छोटा सा इंसान अगर कुछ कर रहा हो, कमा रहा, तो उनके लिए बहुत कुछ है। वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गरीबों को फायदा लाएंगे। गरीबों को कौन सी फायदा हुई? नोटबंदी खत्म हुई, नोटबंदी से कौन सी फायदा हुई? GST लागू हुई, GST लागू से कौन सी फायदा हुई? देश को कुछ फायदा हुई? कोई भी फायदा, हमारे अंदाज से तो 50% कोई फायदा हुई नहीं।